हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरिओम शुक्ला और मैं आपको बताऊंगा कैसे किसी वर्ड को याद करें आसानी के साथ में, बिना किसी हिचक के साथ में, और जल्दी से जल्दी उसे कैसे याद करें। ये मेरा दूसरा वीडियो है। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रूट वर्ड की सहायता से किसी वीडियो को कैसे याद करते हैं या किसी भी इंग्लिश वर्ड को कैसे याद करते हैं, ऐसे ही ये मेरा दूसरा वीडियो है। रूट वर्ड पे ही बेस्ड है ये वीडियो और आपको जरूर पसंद आएगा। आपको पहला वीडियो बहुत ही पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। एक ग्रीक वर्ड है बिब्लियान, जिसका मतलब होता है बुक। अगर बिब्लियान या बिब्लियो किसी वर्ड के पहले आ जाए तो समझो वो वर्ड बुक से बना हुआ है, उसका कोई ना कोई रिलेशन बुक से तो है ही। तो देखते हैं हम कैसे, कौन सा वर्ड बना है बुक से। वर्ड नंबर वन, बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया वो होता है किताबों से अगर कोई व्यक्ति डरता है तो उसे बिब्लियोफोबिया कहते हैं, किताबों से डरने को बिब्लियोफोबिया कहते हैं। और दूसरा वर्ड है बिब्लियोफोब, किताबों से डरने वाले व्यक्ति को बिब्लियोफोब कहते हैं। बिब्लियोमैनिया एक वर्ड होता है। बिब्लियोमैनिया वो चीज होती है कि अगर किसी व्यक्ति को किताब पढ़ने की सनक है या किताब पढ़ने की बीमारी, वो हमेशा किताब ही पढ़ता रहता है, तो उसे बिब्लियोमैनिया कहते हैं, या बिब्लियोमैनियाक उस व्यक्ति को जो किताब पढ़ता रहता है, उसे बिब्लियोमैनियाक कहते हैं, जिसे किताब पढ़ने का बहुत शौक होता है। बिब्लियोमैनिया और बिब्लियोमैनियाक में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूँ। किताब पढ़ते रहना इसको बिब्लियोमेनिया कहते हैं, और किताब पढ़ते रहने वाले को बिब्लियोमेनिया कहते हैं। ओके। बिब्लियोफाइल वो होता है द लवर ऑफ बुक, जो बुक को बहुत पसंद करता है उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं। बिब्लियोफाजिस्ट वो होता है जिसे किताबी कीड़ा कहते हैं, उसे हमेशा किताबों की नॉलेज होती है। बिब्लियोक्लाज्म, पुस्तकों को नष्ट करने की क्रिया। पुस्तकों को अगर कोई फाड़ देता है, जला देता है या नष्ट कर देता है तो इस क्रिया को बिब्लियोक्लाज्म कहते हैं, और पुस्तकों को नष्ट करने वाले को बिब्लियोक्लास्ट कहते हैं। पुस्तकों को नष्ट करने वाले को बिब्लियोक्लास्ट कहते हैं। बिब्लियोग्राफर, पुस्तक लिखने वाला, जो किताबें लिखता है, जो लेखक होता है, उसे बिब्लियोग्राफर कहते हैं। बिब्लियोथिकेरी लाइब्रेरियन को कहते हैं। इसका भी संबंध किताबों से होता है, इसलिए इसमें भी बिब्लियो वर्ड लगा है, लाइब्रेरियन बिब्लियोथिकेरी। बिब्लियोथेका लाइब्रेरी को कहते हैं, लाइब्रेरी का एक सिनोनिम भी है बिब्लियोथेका। बिब्लियोपेजिस्ट, वह व्यक्ति जो बुक को बाइंड करता है उसे बिब्लियोपेजिस्ट कहते हैं। बाइंडर का नाम तो आपने सुना होगा, आपने भी कई सारी बुक्स को बाइंड भी कराई होगी। जो बुक को बाइंड करता है उसे बिब्लियोपेजिस्ट कहते हैं। पुस्तकों के विज्ञान को बिब्लियोलॉजी कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।